हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नीलोफर्स किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पुलाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटर पुलाव बनाना। मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दी है गर्म होने के लिए। 2-3 टेबल स्पून तेल डालूंगी मैं। बादियान के फूल, 2 काली इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 हरी इलायची और 4 लौंग। घी गर्म हो चुका है, इसके अंदर ये गर्म मसाले ऐड कर रहे हैं। एक टीस्पून जीरा, 4 हरी मिर्च, मैंने थोड़ा सा बीच से कट लगा ली है। स्लाइस की हुई प्याज, प्याज को फिर सॉफ्ट होने तक हम फ्राई करेंगे। नमक हल्दी जरूरत, मेरी प्याज हो चुकी है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 बॉल मटर है मेरे पास, 1 बॉल बटर है। मेरी प्याज हो चुकी है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 बॉल मटर है मेरे पास, 1 बॉल बटर है। ये बासमती चावल है जिसको मैंने आधा घंटा पहले सोक कर ली थी, ये भी ऐड कर देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। कप पानी, 1/2 टीस्पून गरम मसाले की पाउडर, हरा धनिया, ऑप्शनल है, इसको हम पकने देंगे। देखिए चावल का पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है, मैं इसको कवर करके 5 मिनट फ्लेम गैस पे दम पे रखेंगे। ये देखिए मेरे चावल हो चुके हैं, मैं इसको सर्व करूंगी। अगर आपको मेरी ये मटर पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।